महारानी प्रसन्नी देवी ने करवाया था इसका निर्माण 1802 ईस्वी में। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के विवाह की जो चित्रकारी की गई है। 1905 के भूकंप को झेल गया मंदिर। देश का 18वां सैनिक स्कूल जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन करके रखा है। गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुजानपुर का फोर्ट देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं नर्मदेश्वर मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर, उसके साथ में चौगान है वो भी, वहाँ पे भी जाएंगे। सो चलते हैं गाइस। टाइम 12:47 हो चुके हैं अभी। आज लंच हम यहीं करेंगे, घर पे तो पहुँच नहीं पाएंगे लंच टाइम में, हमें अब दो मंदिर और जाना है। चलो भाई और नेफ्यू निकल गए आगे। बंद काहे हो गया? अरे बाबा ब्राइटनेस कम है क्या? ओके चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस रहेगी। और देखो भाई यहाँ से पूरा चौगान दिख रहा है सुजानपुर का, और सामने ब्यास नदी दिख रही है। ब्यास नदी के इस पार सुजानपुर है और उस पार है आलमपुर। नर्मदेश्वर मंदिर जो है 1.7 किलोमीटर है यहाँ से। हमें तो बाजार के बीचों बीच जाना होगा शायद उस मंदिर के लिए। बाइक खड़ी करके जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा या बाइक ही मंदिर तक जाएगी? मैं पहले उस मंदिर में कभी नहीं गया हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं है। वैसे हम नीचे आ ही गए ना, 1.1 किलोमीटर और बचा है। इसका मतलब फोर्ट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम 4 किलोमीटर सोच रहे हैं, 4 किलोमीटर नहीं है, कम ही है। देखो कितना स्टीप रोड है, इधर से बिल्कुल उतरा ही है। और हम पहुंच चुके हैं बाज़ार में वापस। भाई लोग कहाँ गए? तो हम वापस पहुंच चुके हैं सुजानपुर बस स्टैंड, और देखते हैं बाज़ार के बीचों बीच लेके जा सकते हैं, बाइक्स की नहीं लेके जा सकते बिकॉज सुबह चल रही थी कोई रैली सैली चल रही थी, पुलिस वाले भी थे। तो बाज़ार के बीचों बीच रास्ता है, सुजानपुर की मार्केट भी देख लो आप सभी, जूते चप्पल कपड़े स्टेशनरी सब्जियाँ और ये सब चीज़ें मिलती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब हैं इधर, करियाने की दुकान भी है, बैग्स भी हैं सब। भाई सुजानपुर मार्केट ऑल इन वन है, सब मिलता है इधर। मैडम यहाँ नर्मदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? स्ट्रीट है। थैंक यू भाई। पता नहीं कहाँ पे है मंदिर, इधर आपके ही होगा। ओके एट लास्ट बी रीच्ड, मंदिर में पहुँच गए हम। सो गाइस फाइनल में पहुंच चुका हूँ नर्मदेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और ये बसा हुआ है ब्यास रिवर के किनारे पे। ये देखो ये जो बह रही है ब्यास रिवर है। चलो भाई चलते हैं मंदिर के अंदर। आई होप कि यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लो होगी, पिछले वाले में तो मना कर दिया था उन्होंने। तो भाई मंदिर कुछ अंदर से ऐसा दिखता है भाई। ये महारानी प्रसन्नी देवी ने करवाया था इसका निर्माण 1802 ईस्वी में। और इस मंदिर की दीवारों पे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी, देखो पक्षियों की पेंटिंग है इधर, फ्लावर्स हैं। ये जो मंदिर का गर्भगृह है ना, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के विवाह की जो चित्रकारी की गई है, अभी धुंधली दिख रही है इधर से। और यहाँ देखो कितने सुंदर वो हाथी घोड़े सब बना रखे हैं इस मंदिर की दीवारों पे, बड़ी सुंदर पेंटिंग है। और ये सब देखो भाई उस टाइम की करी हुई पेंटिंग है, और आज भी कलर्स इतने ब्राइट है ना। मंदिर के अंदर की जो पेंटिंग है, जो
प्रसिद्ध पहाड़ी चित्रकार थे नेंसु खोरनिका थे, उन्होंने ये पेंटिंग्स अंदर की बनाई हुई हैं मंदिर के अंदर की। मंदिर की जो वास्तुकला है वो मुगलों और राजपूतों के मिश्रित राजस्थानी शैली को दर्शाती है। तो ये है भाई इस मंदिर का, और देखते हैं उस साइड चलते हैं, उस साइड क्या है देखते हैं चल के। पत्थर गर्म हो चुके हैं, पाँव हल्के हल्के जल रहे हैं, तो इसलिए छाया में चलता हूँ मैं, थोड़ा सा दिल खुश हो गया। ऐसी जगह है देखिए कहाँ है यार, हमारे आस पास में ही है और हमें पता भी नहीं होता। आज तो जब मैं सर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि ऐसी जगह है। मैंने सोचा क्यों ना जाना चाहिए, और मैं साथ में ब्लॉग भी बनाऊँगा, ब्लॉग में आप सभी को भी दिखाऊँगा। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सुंदर प्लेसेस हैं, धार्मिक प्लेसेस हैं, जो कि बहुत पुराने हैं उस टाइम के, 1802 में बनाया और अभी भी टिका हुआ है, देख सकते हैं आप। 1905 के भूकंप को झेल गया मंदिर। अब चलते हैं, और अभी भी बचा है कौन सा, मुरली मनोहर मंदिर, जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है, वो भी इधर पास में ही है कहीं, वो भी देखना है यार। चलो किसी से पूछते हैं कि यहाँ पे मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पे है। 2 मिनट का रास्ता है मुरली मनोहर मंदिर के लिए। गैस एजेंसी पहुंचा दिया इसने, कहाँ लेके जा रहा, अच्छा हो गया रीरूट, ओके। दो सौ 30 मीटर पे है और यहाँ से टर्न बोल रहा है, इनसे पूछें बाबा मुरली मनोहर मंदिर कहाँ, इधर आ गए है ना। बाबा जी से पूछ ली ना, तो मैप मेरे से कुछ करवाने वाला था। इधर कहीं से रास्ता होगा मंदिर के लिए, आगे दिख रहा है, ये तो है मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर में आपका स्वागत है। चलो इधर पार कर दो बाइक अपनी, चलते हैं अंदर। ये इसका गेट है यहाँ पे। दोपहर के ना 1:30 बज चुका है। जाहो ये क्या चल रहा है इधर भाई, अंदर से काफी सजा रखा है मंदिर को, देखो। मंदिर अंदर से दर्शन कर लिए, और जो हिस्ट्री है वो बाहर है, बिकॉज़ वो कुछ अलग है। जो पुजारी थे मंदिर के अंदर भाई, उन्होंने बताया कुछ चेंज है हिस्ट्री में, तो बाहर है वो, पढ़ के मैं आपको बताता हूँ चल के। फिलहाल आप ये देखो यहाँ से, सो चलते हैं, पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्रसाद लिया है, प्रसाद भी खाएंगे साथ में। मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ कि ये मुरली मनोहर मंदिर जो है सुजानपुर टीरा का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कार्य महाराजा श्री संसार चंद जी ने अपनी माता जी की उपस्थिति में वर्ष 1793 ईस्वी में शुरू करवाया था, जिसका कुछ भाग 1805 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। संपूर्ण मंदिर का कार्य 1823 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। सबसे पहले इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पंडित श्री जनार्दन अवस्थी जी के द्वारा की गई। इस मंदिर में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की नटराज रूप में विराजमान मूर्ति रुक्मणी जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। 1905 में कांगड़ा जिले में भयंकर भूकंप के दौरान माता रुक्मणी की मूर्ति का कुछ भाग खंडित हो गया। उसके बाद माता रुक्मणी की मूर्ति की जगह पे माता राधा जी की मूर्ति की स्थापना की गई। सो भाई मंदिर के बगल में ही है सुजानपुर टीरा का जो चुगान है ना, तो ये देख लो भाई क्या सुंदर है, कितना बड़ा है, हरियाली ही हरियाली है इधर। ये देखो ये है सुजानपुर का चुगान। इस चुगान को बनवाया था राजा संसार चंद जी ने। सुजानपुर का ये जो चुगान है वो आधा सैनिक स्कूल के अंडर में, और ये देश का 18वां सैनिक स्कूल जो है वो यहाँ पे है। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में है, और देखो ये चुगान है जहाँ पे यहाँ का फेमस होली मेला लगता है, ये देख लो भाई। अभी धीरे धीरे घर की तरफ निकलेंगे, गर्मी काफ़ी है। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, भूख लगने लगी है भाई। ये कौन सी साइड गए मेरे भाई लोग,
चलो भाई पहुंच गए हम, कुछ खा पी लेते हैं अभी, पेट पूजा कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन करके रखा है, दिल खुश हो गया। HP 84, आई लव HP 84 भाई, सबको प्यार 84 से HP। चलो करते हैं कुछ खाना पीना ऑर्डर, खाते हैं फिर निकलेंगे घर के लिए वापस। 2000 years later. चलो भाई कुछ खा पी लिया हमने, अब निकल रहे हैं घर के लिए वापस। टाइम 3 बज चुके हैं, अब फिर से हम ऑफ रोड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से थुरल 7 किलोमीटर। सो यहीं से गए थे ना, ये ऑफ रोड चलता रहेगा भाई, ये ट्रेनिंग है, छोटे छोटे ऑफ रोड पैचेस ट्रेनिंग है जब हम लद्दाख करेंगे उसके लिए। यहीं से चल देता हूँ, साहब रास्ता कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस है वाला तो। चलो हुआ अभी, सेकंड लास्ट विलेज भी पहुंच गया मैं इधर ना, अपने घर के पास के सेकंड लास्ट विलेज को क्रॉस कर दिया मैंने। लो बसेज संडे है ना, देखो रुकी हुई है इधर, संडे को नहीं चलती है, प्राइवेट बसेज ओनली, गवर्नमेंट की बसेज आती होंगी एक दो, वो भी नहीं पता बिकॉज बहुत टाइम हो गया मुझे बस में गए हुए ना।